वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरओआर ओवाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम साइंस में देख रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी एंड फोर्स। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड फोर्स देखेंगे तो एक एक करके देखते हैं। तो वर्क को देखते हैं तो फोर्स इज सेड टू डू अ वर्क इफ़ व्हेन एक्टिंग देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट अकर्स आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, नो वर्क इज डन। ओके, तो ये है आपकी वर्क की सिंपल डेफिनेशन। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं तो इसमें होता है कि अ वर्क डन बाई द फोर्स इज डिफाइंड टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इफ वर्क इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू एंड फोर्स इज एफ एंड डिस्प्लेसमेंट इज एफ, देन वर्क इज एफ इंटू एस। ओके, ठीक है, तो इसमें याद रखिए रहिएगा कि अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वर्क काउंट होता है, अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन इज जीरो। ठीक, तो ये वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट जूल होती है और वन जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जर्टेड व्हेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मीटर। सो वन जूल इक्वल टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर। ओके, ये जूल की आपकी डिफिनीशन है। फिर देखते हैं, इफ़ ए पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ देन अ वर्क डन बाई हिम विल बी पॉजिटिव। If a person pushes a wall and it is not displaced, then he does not do any work because work is perpendicular to the force of gravity. फिर आगे देखते हैं, if the force and displacement are perpendicular, then work done is zero. Okay? आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और देखते हैं, इसमें है आपका alternative unit of वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। कुछ और यूनिट्स हैं, एक देखिए अर्ग होता है, वन अर्ग इक्वल टू 10^-7 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी की बात करें तो 1.6×10^-19 जूल। कैलोरी की बात करें तो 4.186 जूल। किलोवाट आवर क्या होता है, 3.6×10^6 जूल। ठीक है, ये अल्टरनेटिव यूनिट्स ऑफ वर्क हैं, वर्क और एनर्जी इन जूल। अब आगे आता है आपका पावर, तो इसके बारे में देखते हैं। पावर है आपका, पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड एवरेज पावर ऑफ अ फोर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डब्ल्यू टू द टोटल टाइम टी टेकन। तो डेफिनेशन क्या हुई आपकी, इफ पावर इज जीरो, वर्क इज डब्ल्यू एंड टाइम इज टी, देन द पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ओके, इसमें पावर इज लाइक वर्क एनर्जी एनर्जी एंड इट इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी एंड डायमेंशंस आर ML2T-3। इन द SI यूनिट अ यूनिट इज कॉल्ड डब्ल्यू, अ वॉट इज वन जूल पर सेकेंड, डब्ल्यू वॉट। ठीक है, पावर की यूनिट है वॉट एंड वन वॉट इज वन जूल पर सेकेंड। अ यूनिट पावर इज नेम्ड आफ्टर जेम्स वॉट, वन ऑफ द इनोवेटर्स ऑफ द स्टीम इंजन इन द 18th century। जेम्स वॉट के बारे में हम जानते ही हैं, स्टीम इंजन के इन्वेंटर थे, उन्हीं के नाम पे ये पावर की यूनिट का नाम वॉट पड़ा है। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज नेमली हार्स पावर, वन हार्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। आगे देख लेते हैं, देखिए अ 100 watt बल्ब विच इज फॉर 10 hours यूजेज 1 kW ऑफ एनर्जी। कैसे देखते हैं इसको, 100 watt का बल्ब है, 100 hours के लिए चलता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका 1000 watt पर आवर। ठीक है, 1000 को इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1 kW पर आवर, फिर इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा आपका, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 3600 एंड किलो वाट को वाट में करेंगे तो 10^3 और 1000, तो ये हो जाएगा आपका 1 kW आवर इक्वल टू 3.6×10^6 जूल। ठीक, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक बिल आती हैं उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन रहता है वो किलो वाट पर आवर में ही रहता है, किलो वाट आवर में रहता है, सॉरी।
ठीक है। और किलो वाट आवर जो होता है वो एनर्जी की यूनिट है, ना कि पावर की। एनर्जी की यूनिट है, याद रखिए रहिएगा, ना कि पावर की। किलो वाट आवर जो है वो एनर्जी की यूनिट है और वाट जो है वो आपकी पावर की यूनिट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।